नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती 2022 के बारे में। जी हां दोस्तों, पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े स्तर पर आप सभी के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से वैकेंसीज है, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूं। वहां से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं एंड इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इजीली यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अपडेट के बारे में, तो यहां से आप इजीली चेक कर पाएंगे ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती 2022 के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अधिसूचना पत्र भी आप यहां से इजीली चेक कर पाएंगे। 07/2022 ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो है ये नोटिफिकेशन है। बात करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन की अपडेट के बारे में, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो पद यहां पर रखे गए हैं, ये ग्राम सेवक के 7460 पदों पर वैकेंसीज रखी गई हैं, पंचायत सचिव के लिए 5051 पद रखे गए हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो ये वैकेंसीज यहां पर रखी गई हैं, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए हैं एंड विभिन्न पंचायती राज्यों के लिए जो है ये वैकेंसीज रखी गई हैं। यहां पर आप इजीली चेक कर सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पंचायती राज विभाग भारत की विभिन्न पंचायतों में ग्राम सेवक और पंचायत सचिव के पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है एंड जो भी कैंडिडेट यहां पर जो है इच्छुक अभ्यर्थी निर्देशित विभाग की वेबसाइट पर दी हुई दिनांक से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज है, ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट यहां पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भर्ती 2022 के ओवरव्यू के बारे में बात कर लें, तो विभाग का यह नाम है आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये वैकेंसीज हैं। पद नेम के बारे में अगर हम बात कर लें, तो ग्राम सेवक और पंचायत सचिव के पद रखे गए हैं। कुल पद के बारे में बात कर लें तो 12,541 पद यहां पर जो है टोटल पदों पर वैकेंसीज रखी गई है। यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं, ग्राम सेवक के 7460 पद रखे गए, पंचायत सचिव के 5051 पदों पर ये वैकेंसीज है। आवेदन करने के तरीके के बारे में बात कर लें, तो आप इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन जो है आवेदन कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता अगर के बारे में बात करें, तो 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। विभागीय वेबसाइट या फिर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट rural.nic.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों जिला ब्लॉक पंचायत स्तर पर आधारित इस भर्ती की अंतिम तिथि से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट कर लें। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लें, तो ग्राम सेवक पद के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में जिस भी जो है पंचायत से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते करना चाहते हैं, उसका जो है स्थानीय भाषा का नॉलेज आपको होना जरूरी है। पंचायत सचिव में भी दोस्तों 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और स्थानीय भाषा का जो है ज्ञान आपके पास में होना चाहिए। चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लें, तो सबसे पहले आपका लिखित एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपका ऑफलाइन होने वाला है। तो मैं रिटन टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर रहने वाला है। परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लें, तो आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपसे यहां पर पूछा जाएगा, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल की इंपॉर्टेंट घटनाएं यहां पर हो सकती हैं। बात करते हैं दोस्तों यहां पर आगे के, तो यहां पर आप इजीली चेक कर सकते हैं भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल आपसे पूछा जाएगा। साथ ही में दोस्तों भारतीय राजतंत्र और शासन से संबंधित आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपना सारा सिलेबस यहां से चेक कर सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही में पर्यावरण, परिस्थितिकी और जैव विविधता या फिर जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान, बोधगम्यता और संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल भी आपसे पूछा जाएगा। तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता आपसे यहां पर पूछी जाएगी। तो इस तरीके से जो भी आपका यहां पर पूरा सिलेबस रहने वाला है, ये 10वीं कक्षा के स्तर पर रहने वाला है। मतलब कि आपको काफी अच्छा सिलेबस यहां पर मिलने वाला है।
सिलेबस की जो है नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट के बारे में, तो ये आपको जरूर देखना है कि परीक्षा के वस्तुनिष्ठ जो आपके परीक्षा के जो प्रश्न रहेंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे। साथ ही में दोस्तों इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें चार विकल्प दिए जाएंगे जो कि सभी एग्जाम में होते हैं ABCD, और इसमें से दोस्तों आपको सही विकल्प का चयन करना होगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पेपर में सिर्फ 33% अंक लाने होंगे, मतलब कि या तो 27% उनको ठीक करने होंगे या फिर उनको 66 अंक यहां पर मिनिमम लाने होंगे, तभी जाकर के आपका जो है पेपर आगे चेक होने वाला है। तो इसी के साथ में दोस्तों अगर वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाएगा, मतलब कि अगर आप 33% से कम अंक लेकर के आते हैं तो आपको यहां पर फेल कर दिया जाएगा। कट ऑफ का निर्धारण जो भी आपकी कट ऑफ बनने वाली है वो सिर्फ आपके प्रश्न पत्र के आधार पर की जाएगी, मतलब कि जो भी आपका रिटन टेस्ट रहेगा उसी के आधार पर आपका जो है कट ऑफ यहां पर तैयार किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के बारे में बात कर लें तो चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम सूची मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा और इसका जो है दस्तावेज सत्यापन यहां पर होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों वेतनमान के बारे में या फिर आपकी सैलरी के बारे में, तो देखिए उम्मीदवारों को 7वां वेतन आयोग यहां पर मिलने वाला है। साथ ही में लेवल 1, 2 और 3 से आपको जो है सैलरी मिलेगी जो कि आपकी 25,500 रुपए से 35,500 रुपए तक स्टार्टिंग पे इसके लिए यहां पर बनने वाला है, मतलब कि आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो 25,500 रुपए से 35,500 रुपए तक काफी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। इसी के साथ में आयु सीमा की बात कर लें तो 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। एंड दोस्तों जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए आप जो है DOB यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कि आपकी DOB जो है कब से कब तक होनी चाहिए। साथ ही में आप फीमेल कैंडिडेट या फिर SC ST OBC MBC या फिर सीरियल श्रेणी के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी DOB भी आप यहाँ से इजिली चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों आपका अगर आप एक्सेंसमेंट कैंडिडेट है तो भी आपको यहाँ पर एज में छूट देखने को मिल जाएगी। SC ST कैटेगरीज को 5 साल के एंड OBC कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के छूट यहां पर मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर रहेगा। आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लें तो जनरल ओबीसी EWS या फिर MBC कैंडिडेट से ₹100 एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। SC ST एंड अन्य सभी जो भी आरक्षित कैंडिडेट हैं या फिर रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करवानी होगी। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फीस को जमा करवा पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों आवेदन आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहां पर आप महत्वपूर्ण तिथि के बारे में चेक कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसी के साथ में आपकी जो अंतिम तिथि रखी गई है या फिर जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है ये 23 सितंबर 2022 रखी गई है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है अगर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो परीक्षा तिथि आपकी जो है नवंबर 2022 रहने वाली है, मतलब कि नवंबर 2022 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।